अकरम, ये जो अगस्त्य है ये जो है ब्रज के लिए काम करते हैं। नमस्ते नमस्ते, मेरा नाम अकरम है। मैं मैसूर से हूँ और मैं एक मेल सेक्स वर्कर कमेटी से बिलोंग करता हूँ और मैं पिछले 18 साल से एचआईवी वायरस के साथ जी रहा हूँ। okay. और मैं आश्रय में डे वन से काम कर रहा हूँ। ओके, कब से सर? फर्स्ट डे से। ओके, आश्रय से मेरे से। ओके, आश्रय जो एक सीपीओ है जो कमेटी के साथ मिशन कहलाता है, ये फीमेल मेल एंड ट्रांसजेंडर सेक्टर करके साथ काम करता है, जो उनके स्वास्थ्य को लेके जो मेन होता है एचआईवी उसको लेके काम करता है। ओके, तो मुझे आपके बारे में जरा बताएंगे? आपकी उम्र क्या है? अभी मेरा 45 ईयर चल रहा है। अच्छा, आपने बताया कि आप पिछले कितने 25 साल से काम कर रहे हैं? 30 साल से। मुझे आपके 15 की उम्र आ गया, 15 साल की उम्र थी जब हम लोग यहाँ पे आए, एक धीरे धीरे से इस फील्ड में आ गए। तो अभी मेरा रिटायरिंग का टाइम हो गया, अभी मैं दूसरों को मौका देना चाहता हूँ। कुछ आपके काम के बारे में बताएंगे? जो आश्रय है, हाँ, आश्रय मेनली एचआईवी अवेयरनेस के लिए काम करता है, जो पहले कम्युनिटी को इकट्ठा करना, कम्युनिटी की नीड आइडेंटिफाई करना, कम्युनिटी को मेन नीड क्या है और कम्युनिटी का वायलेंस किस तरीके से है, मतलब कम्युनिटी में ज्यादातर वायलेंस होता है, फैमिली से होता है, उनके बॉयफ्रेंड से होता है और उनके नेबर से होता है, स्टेक होल्डर से होता है। तो ऐसी जो वायलेंस मतलब उनके साथ जो हिंसा होती है, दौर्जन्य होती है, उसके लिए काम करते हैं, जैसे कैसे कैसे करना, मेटर ठीक करना और डबल इन्वॉल्वमेंट करके उनको क्रिएट कराना, ये करते हैं। और ज्यादातर मेनली स्वास्थ्य को लेकर जो काम करते हैं उनको एचआईवी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना और काउंसलिंग करना, और जो उनका जो काम है उसमें वो कितने हाई रिस्क है उसके लिए एचआईवी स्टडी का ट्रीटमेंट करवाना, जैसे कि पहले हम उनका बात करते ही उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनको कोई एचआईवी का सिम्टम्स है तो उसको ट्रीटमेंट कराते हैं, फिर बाद में जाके एचआईवी का जाँच कराते हैं। अगर एचआईवी हो गया तो उनको ईआरटी के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, ईआरटी का दिला के फॉलो करते हैं। जो नेगेटिव है उनको कंडोम के बारे में ज्यादातर मोटिवेशन करते हैं और उनको समझाते हैं और उनका लाइफ में कैसे और अच्छे तरीके से जी सकते हैं उसके बारे में करते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग अभी नया प्रोग्राम कर रहे हैं जो प्रेम को लेके काम कर रहे हैं, जो प्रेम दिलाते हैं उनको, प्रेम के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, तो ये सब हम लोग करवाते हैं। और इसके और जो चीज है मेनली क्या है, जो कम्युनिटी में जो अभी सोशल बेनिफिट सरकार की ओर से बहुत सारी सोशल बेनिफिट मिलती है, जैसे कि उनको कुछ करने के लिए WCD ह्यूमन एंड चिल्ड्रन डिपार्टमेंट से कुछ पैसा मिलता है, 20,000-50,000, वो पैसे से वो कुछ कर सकते हैं, तो वो भी हम दिलाते हैं। और उसके साथ साथ जो नेशनल आइडेंटिटी हर सेक्स वर्कर के लिए जो मेन इम्पोर्टेंट है नेशनल आइडेंटिटी, क्योंकि हम जब संस्था शुरू किए थे उस समय हमारी कम्युनिटी के पास लगभग 90% के लोगों के पास कोई नेशनल आइडेंटिटी नहीं था, जैसे कि रेशन कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आइडेंटिटी कार्ड हो, पासपोर्ट हो, या कोई भी नेशनल आइडेंटिटी नहीं था। तो
तो हम वहां से शुरू करें, हर एक सेक्टर के पास एक ना एक आइडेंटिटी होना जरूरी है क्योंकि वो नेशनल आइडेंटिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सोच के हमने क्या किया, हर एक को आधार कार्ड करवाया। जो आधार कार्ड का जो ये था हमारे संस्था ने ही रखे, हम लोग को लगभग हम लोग 5,700 लोगों को आधार कार्ड दिलाया और उसके साथ साथ प्लान कमेटी को भी हमने दिलाया ताकि ऐसा नहीं है कि वहां पे भी स्टिग्मा हो, जो कम्युनिटी के लोगों को सर्विस हो रही है, नॉन कम्युनिटी को नहीं हो रही। तो ये सोच के हम सभी को मिला के दिलाए। तो उसमें एक आधार कार्ड दिलाया, दूसरा रेशन कार्ड। रेशन कार्ड में भी क्या होता है, एपीएल कार्ड, बीपीएल कार्ड, अंत्योदय कार्ड, ये तीन कार्ड होते हैं। तो इसमें हम लोग मेनली उनको दो कार्ड, अंत्योदय और बीपीएल कार्ड। अंत्योदय जो होता है ऐसे ही पॉजिटिव लोग या कोई भी बहुत गरीब लोग रहते हैं उनके लिए पूरा फ्री में मिलता था। अभी तो बीपीएल के होने के हो गया तो बस वही फ्री मिलता है, दूसरा बीपीएल कार्ड। और तीसरा जो है कुछ मिनिस्टर के साथ एडवोकेसी किया और सबको आइडेंटिटी कार्ड जो वोटर आईडी होता है उनमें से लगभग 70% लोगों को आइडेंटिटी कार्ड दिलवाया। कुछ लोगों को दूसरे दूसरे संस्था से जोड़ा ताकि उनका वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे स्किल बिल्डिंग डेवलप के लिए ब्यूटिशियन हो या कंप्यूटर हो उसको जोड़ के उनको काम करवाया। तो ये सब हम लोग करते हैं और मेनली अलग अलग प्रोजेक्ट लेके काम करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग को HVS का प्रोग्राम मिला था तो HVS का काम किया, बाद में फिर डिफर का मिला, डिफर का जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए काम करना था जो सर्वाइकल कैंसर को लेके उसका काम किया, जो कैंसर को मेन महिलाओं को जो योनि कैंसर होता है, यौन कैंसर होता है, चेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होता है या गर्भकोश में कैंसर होता है उसके लिए आइडेंटिफाई करके फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज में जो रहते हैं उनको ट्रीटमेंट करवाया, जो थर्ड स्टेज है उनके लिए अलग अलग हॉस्पिटलों में रेफर किया। और तीसरा जो है प्रेप का, प्रेप लगभग हम लोग 800 से 1,000 लोगों को प्रेप दिलवाया जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, फीमेल मेल एंड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, ताकि उनका लाइफ में और अच्छा बदलाव आए, ऐसा नहीं लगे कि हम लोग कोई देखने वाला नहीं है ये सोच के और उनकी जिंदगी में HIV से रोक सके, HIV के साथ ना जुड़ जाए। तो ये सोच के हम लोग उनको प्रेम दिलाया और उसके बारे में अवेयरनेस कराया। अभी जो COVID-19 चल रहा है उसके बारे में हम काम कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन सबको फैला रहे हैं और कैसे हाइजीन में रहना, कैसे COVID-19 से बच के रहना है और हमारे जीवन में कैसे अपने आप को, क्योंकि बहुत सारे लोग मानसिक अंदर ही अंदर ये हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, बहुत लोग में बदलाव आ गया है। तो ये सोच के हम लोग उनको ये समझाए कोविड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अच्छा। और इसके साथ साथ हम लोग कॉपरेटिव चला रहे हैं जो अलग अलग जैसे के रेलवे कॉपरेटिव होता है, KSRTC का कॉपरेटिव होता है, डॉक्टर यूनियन का कॉपरेटिव होता है, ऐसे ही हमारा सेक्स वर्कर ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉपरेटिव चला रहे साधना दीदी मल्टीपर्पज कॉपरेटिव सेक्टर। तो यहाँ पे सेक्स वर्कर पूरे लोग अपना पैसा जमा करते हैं, सेविंग करते हैं और पर्सनल लोन लेते हैं, गोल्ड लोन लेते हैं, व्हीकल लोन लेते हैं, हाउसिंग लोन लेते हैं, अब ज्यादा फोकस हेल्थ लोन और एजुकेशन लोन को देते हैं क्योंकि ये दो ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा कम्युनिटी को, ज्यादा नीड यही रहता है क्योंकि एक तो हेल्थ के लिए वो अपना पैसा नहीं बचा के रहते तो उसके लिए लोन चाहिए, दूसरा अपने बच्चों के एडमिशन के लिए, पढ़ाई के लिए या कुछ शादी के लिए चाहिए तो उसके लिए हम इम्पोर्टेंट देते हैं। इतना काम हम कर रहे हैं और कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, धीरे धीरे से आगे बताऊंगा। हाँ सर, आपने ये बताया कि लगभग 5,000 लोगों को आपने आधार कार्ड एंड राशन कार्ड दिलवाया, 5,000 लोग पूरे भारत में कि सिर्फ मैसूर में? भारत में नहीं, पूरा मैसूर, मंड्या, चिकमंगलूर, कोडगु, चार डिस्ट्रिक्ट, हम लोग चार डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं। तो आप बताइए आपने सेक्स वर्कर का जॉब क्यों चुना? मुझे लगा हर एक आता है मुफ्त में लेके जाए, मुफ्त में अपने शौक दिखा के जाता है, कोई भी आता है डिमांड करता है ये चाहिए वो चाहिए, सब मुफ्त में डिमांड करता है। तो सोचे क्यों इसको हम लोग मुफ्त में, हर बार हम भी तो इंसान है, हाँ शौक था ठीक था लेकिन अभी हर एक चीज जो डिमांड करते थे, जब ओरल के बारे में, ओरल सेक्स
पूछते हैं, पैनल सेट्स पूछते हैं, सब डिमांड अलग अलग डिमांड करते हैं। तो हमने सोचा नहीं ऐसे फ्री में नहीं ये करना है, इसको हम लोग कुछ लेके सर्विस प्रोवाइड करना है। तो ऐसा सोच के जब ये हमने चुन लिया। अच्छा। और उस समय हम लोग कहीं काम जाते हैं तो कोई हम लोग को काम नहीं देता था, जैसे कि कोई दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग के साथ, मैं पहले बहुत बार बहुत जगह काम में काम के लिए गया भी था, थोड़ा बहुत दिन काम भी किया है, लेकिन वहाँ पे हम लोग को सिवाय सेक्सुअल हेरासमेंट के सिवा कोई इज्जत नहीं मिलती और ना तो वो लोग हम लोग को स्वीकार करते हैं। अच्छा। जब भी जाते हैं घर में बर्तन धोने के लिए लेके जाते थे, कहीं काम पे जाते हैं तो उनका बॉडी मालिश के लिए बुलाते हैं, कभी जाते हैं सेक्स के लिए आह्वान करते हैं। तो ये सब हम लोग को लगा ऐसे भी हम लोग को आज जगह नहीं, क्यों नहीं हम लोग गिल्ट में घूमे रहे, तो ये सोच के हमने ये काम करना शुरू। अच्छा। आप सेक्स वर्कर के पहले आपकी जिंदगी कैसी थी? मामूली बचपन आया था, बचपन आया था खेलने कूदने, जब हम लोग मैं भी स्कूल पढ़ रहा था, मैं भी खेलना चाहता था सबके साथ, रहना चाहता था और ज्यादा अलग अलग काम करता था, जैसे कि टैक्स सेटिंग में काम किया, सब्जी मंडी में काम किया, कपड़े का व्यापार किया, फिर बाद में जाके जो सुनिंग की पदार्थ होगा प्रोविजन स्टोर वहाँ पे काम किया, सब जगह किया, लेकिन कहाँ भी मुझे उतना ये नहीं मिला जो अभी मैं हमारे समुदाय के साथ जितना खुश हूँ, वहाँ पे मुझे उतनी खुशी है कोई भी मुझे ये नहीं मिला उतना। आजकल मतलब जब कोरोना नहीं चल रहा था तब आपके लिए एक नॉर्मल डे कैसा लगता था? मतलब बढ़िया था, सुबह हर कोई जैसे कि सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, अपना डेली रूटीन कैसे मेंटेन करता था, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट के बाद वापस जाना, फिर लंच करना, फिर शाम को घर आना, ऐसे ही हम भी सुबह जाते शाम को वापस घर आते। अच्छा। जब से कोरोना शुरू हुआ है हमारी जिंदगी में तो एकदम एकदम फ्लैट हो गया। कोरोना को लेके तो बहुत सारा अगर याद किया तो मेरे बदन में कांटे आते हैं, जैसे कि बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है कोरोना। अच्छा। हमारे समुदाय के ऊपर बहुत सारा असर पड़ा है। आपको आपके काम के बारे में सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है और क्या चीज बिल्कुल नहीं पसंद है? ज्यादा जो भी मुझे लोगों का जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करना, उनके उनको कोई भी जैसे कि पुलिस हरासमेंट हो गया, उनके घर में फैमिली में उनके साथ हरासमेंट कर रहे हैं, तो उसको जाके रोकना और उनको उनकी उनकी खुशी जिंदगी खुशहाल जिंदगी में उनको लाना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी चीज है जो भी लोग जब स्वास्थ्य को लेके कोई एच आई पॉजिटिव हो जाता है तो वो अपने आप को जो अलग तरीके से अपने आप को बंद करना चाहता है, तो उसको हम वापस नई जिंदगी लाना, मतलब उसको मामूली जिंदगी में लाना, सबके तरह जैसे चार लोग जैसे जी रहे ऐसे जीने के लिए उनको रास्ता दिखाना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लोगों का बदलाव लाना हम मुझे बहुत पसंद। लेकिन मुझे जो अच्छा नहीं लगता है जो लोगों स्टिग्मा करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और ऊंच नीच दिखाते हैं, जात पात करते हैं, लोगों के कपड़े को देखे तोलते हैं या उनका जीवन को लेके तोलते हैं या उनका उनके ऊपर अंगली दिखाते हैं, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा। क्या आप इतना पैसा बना पाते हैं कि आप आपकी रोजी रोटी कमा पाए? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। को उसका तो खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बता रहे थे कि आपको कितने 18 साल से एड्स है, कि उस टाइम पे क्या कॉन्डम्स अवेलेबल नहीं होते थे, आपको किस कारण हुआ आपको पता है? एड्स नहीं हुआ, एचआईवी वायरस हुआ। तो उस जमाने में कॉन्डम्स अवेलेबल नहीं होते थे क्या सर? अवेलेबल नहीं होते थे, लेकिन उस समय ज्यादा जानकारी तो थी, हम लोग उतने ज्यादा क्लाइंट नहीं करते थे, क्लाइंट को किस तरीके से जैसे कि अलग हाथ में कर देना करके आ जाते थे। और दूसरा जो भी है हम लोग वो नहीं कर देते थे, क्योंकि उस समय हमारा स्टेटस थे, हम लोग आने में बाहर आने में ही हम लोग को 4-5 साल लग गए। अच्छा। तो जब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन आ गया था जो आश्रय, उस समय हम लोग को ये कार्ड ऑफ फ्री में मिलना शुरू हो गया। आपके लिए पिछले 3 महीने कैसे गए? एकदम एकदम एकदम
जैसे कि हम सोचे भी नहीं थे इतना बुरा हाल आएगा। मतलब हम लोग को अपने आप को अपने घरों में बंद रखना पड़ेगा या सब लोगों से दूर रहना पड़ेगा, हम नहीं सोचे थे, क्योंकि बहुत ही दिक्कतें चली है। जो हमारा खाना पीना वो मतलब हमारे लिए खाने को भी उतना ये नहीं था, क्योंकि हम लोग पैसे वाले नहीं है तो हम लोग पैसा कमा के नहीं रखा था, जो आप लाते थे खा लेते थे। तो 3 महीना हम लोग एक एक के पास हाथ में बसा रहे हैं, एक एक जो जो लोग दिए हैं उसको लेके खाए हैं, एक एक के कितने रात भूखे भी सोए हैं। बहुत ही अलग तरीके से गुजरी है जिंदगी, क्योंकि उस समय कोई भी हम लोग को पैसा देने वाला भी नहीं देता था, क्योंकि आगे ये कैसा वापस लौटाएंगे ये उनकी सोच थी। और दूसरा जो था पूरे दुकानदार बंद थे, कोई भी हमारा पहचान का दुकान खुला नहीं था ताकि हम लोग वहां पे जाके उधार लेके खाए, और जो मिलता था आधा एक घंटे में हम लोग को खरीदना था, तो आधा एक घंटे में हम पैसा जुड़वाड़ करके जाके खरीदने में दिक्कत होती थी। और दूसरी चीज है स्वास्थ्य को लेके, मतलब हमारा हेल्थ को लेके बहुत दिक्कत हुई, जैसे कि हमें दूसरा अभी मैं डायबिटिक्स पेशेंट हूँ और ब्लड प्रेशर पेशेंट हूँ और एक तो वायरस के साथ जी रहा हूँ, ये तीनों के साथ जीना तो आसान नहीं है। हमारे लिए हर महीना लगभग 2 से 2.5 हजार रुपए ट्रीटमेंट का चाहिए, दवाई के लिए चाहिए, वो पैसा जुगाड़ करना भी पड़ता है। मैं एक दिन आठ एक दिन मतलब आज जो गोली खाया कल नहीं खाता था, क्योंकि सर्जरी तो कल कौन दिलाएगा, परसों खाता था। तो इस तरीके से उसके साथ भी समझौता करना पड़ा। और दूसरा जो है कोई डॉक्टर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम लोग को देखने नहीं वाला था, तो उस समय हम लोग जितना भी तकलीफ होता था अंदर ही चाहता था, जब पेट में दर्द हो उसको भी सहन करो, बुखार फीवर हो उसको भी ऐसे ही सहा लो, स्किन प्रॉब्लम हो उसको भी ऐसे ही सहा। तुमको बोलूं मैं स्किन रैशेस हो गए थे, 3 महीने मुझे 3 महीने उस रैशेस के साथ इतना बड़ा इन्फेक्शन हो गया, फिर 3 महीने के बाद अभी ट्रीटमेंट में चालू ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि उस समय हमारे पास ना तो कोई वाहिद मेडिकल में बोल के पैसा लेने था दवाई लेने के लिए, और दूसरा डॉक्टर नहीं आता अवेलेबल दिखाने के लिए, तो ये सभी समस्या थी। और तीसरा जो था जितने लोग हमें पहचानते थे, जितने लोग हम लोग को कॉल करते थे बात करते थे, अभी पूरे लोग बंद कर दिए, सब लोगों में डर आ गया कोरोना कोरोना को लेके। आज हम लोग बात करेंगे उनको तो फोन काट देते हैं, हमसे बात नहीं करते, तो ये सब बदलाव आ रहा है। पिछले 3 महीनों में अपने किस किस तरह के प्रिकॉशन लिए कि आपको कोरोना ना लग जाए? हम खुद प्रिकॉशन लिए, जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें बताया था हम लोग को कैसे रहना है, और हम लोग दूसरों को भी बताया जो अपने आप को कैसे मास्क ढंस के रहना है, सैनिटाइजर से बार बार हाथ वॉश करना है, सोप से हर एक घंटे में बताइए हाथ धोना है, कहीं बाहर जाके आएंगे तो उस कपड़े को साबुन के पानी में डाल के सीधा पानी नहाना है, और किसी के साथ ज्यादा दूर से अंतर रखना है, जैसे 2 मीटर अंतर रखना है। कोई भी डेथ हो रहा है तो वहां पे भी हम लोग देख के दूर से ही देख के आ जाना है, और कोई कोई भी ऐसा पेशेंट है जो सर्दी जुकाम बुखार का, उसको जो हेल्थ के लिए एडवाइस करना है और उनको हॉस्पिटल जाने के लिए मोटिवेशन करना है, ये सब हम लोग करते थे। और ऐसे ही प्रिकॉशन से रहे, हर कहीं भी जाते हैं तो मास्क डाल के जाते हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल बार बार करते हैं। तो सैनिटाइजर लेने के लिए भी आपको बताओ मैं क्या किया, मेरा हाथ का अंगूठी बेच के मैंने सैनिटाइजर खरीदा, तो घर के लिए वो चांदी का था, बहुत करने गया 200 रुपए में गया, लेकिन उससे भी 2 सैनिटाइजर खरीदा, तो स्वास्थ्य जरूरी है तो ये भी करना पड़ता है। आपको N95 मास्क मिला कि नहीं मिला? नहीं नहीं नहीं, हम लोग को कोई मास्क मुफ्त का कुछ भी नहीं मिला, हम लोग को जो मास्क था वो हम अपना घर में बनाया, और दूसरा जो था एक तो बाजार में लिया था 30-40 रुपए या मेडिकल में 30 रुपए का, वो भी 5 रुपए का मास्क 30 रुपए में बिकता था, तो उस मास्क को हमने 30-30 रुपए लेके शुरू में लिया, फिर वो गंदा हो गया, तो फिर हमने सोचा घर में ही बनाएंगे, तो घर में ही हमने उसको हाथों से सिलाई किया, कपड़े का साफ कपड़े का कॉटन का इस्तेमाल करते रहे, हर दिन उसको डालते दूसरा उसको धोने डालते, दूसरे दिन दूसरा इस्तेमाल करते, फिर तीसरे दिन उसको धुआ हुआ उसको डालते,
हाँ इस तरीके से हमने अपने आप को सेट किया। हाँ इफेक्टिव मास्क नहीं मिला, सैनिटाइजर नहीं मिला, कोई दूसरा हैंड वॉश के लिए कोई नहीं मिला, या कोई फूड किट के लिए मिला। जो किट था वो सरकारी जो WCD के हिसाब से एक किट मिला, जो सिर्फ एक ही, वो उन्होंने 5 KG चावल, 1 KG तेल, 2 KG आटा, 1 KG दाल दिया था। पूरे 3 महीने में बस उतना ही मिला। बहुत 3 महीने आपको आर्थिक दिक्कतें रही? बहुत बता रहे ना, मैं आप हाँ बोल ही नहीं सकते, बहुत दिक्कत है। दवाई लेने के से लेके हर एक चीज से दिक्कत थी, जो नहीं होने की वजह से ये दिक्कत थी। और कोई भी हमारा अपना ही कोई आके हम लोग को नहीं देखता था, पहले ही हम लोग सबसे दूर रहते हैं, मालूम है उनको हमारे बारे में, तो फिर को कोई आके हम लोग को कहाँ से देखेगा। क्या आप शादीशुदा है? नहीं क्या आपको आर्थिक सहायता आपके कोई भी परिवार वालों से मिली? नहीं मिली पिछले 3 महीने। क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे स्वीकार नहीं करते, वो अच्छा अलग है और मैं उनके यहाँ नहीं जाता। अच्छा तो मेरा समुदाय जो भी है हमें मिलता है हमारे समुदाय से, हम हाँ अपने कम्युनिटी के साथ रहते हैं। सो आपने पिछले 3 महीने में कहीं और जगह से कहीं और काम ढूंढने की कोशिश की, या ऐसा कुछ करने का कोशिश किया कि कहीं कुछ भी हाँ, नहीं? बहुत घरों में बर्तन धोने के लिए हाँ और साफ सफाई का काम पूछा है, कोशिश की है, एक हाँ दिन रखा और दूसरे दिन भेज दिया, क्योंकि अच्छा तुम बाहर से आते हो, हमें कोरोना का अंदर है बोल के भगा दिया। फिर अच्छा बाद में मालिक का काम के लिए गया है, 2 दिन जो पेड़ पौधे होते हैं उसको साफ करने धो देने के लिए हाथ भी भगा दिया, नहीं हमें नहीं चाहिए, अभी हम लोग को यूज कराना जरूरी नहीं बोल के। और फिर कुछ जैसे कि पोटा वड़ा आता है ना, उसको भी डालने की कोशिश किया, कोई अच्छा खाने वाला ही नहीं था। अरे आपने कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहले कब सुना? जो 21 फरवरी को जब मोदी जी ने बंद करवाया था, कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू करवाया था, तो उस समय हमने, जब भी मुझे ज्यादातर कोरोना के बारे में थोड़ा बहुत सुनता था फरवरी में, लेकिन जब 21 फरवरी में ये हुआ, लॉकडाउन करवाया, पूरा बंद करवाया, कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू डलवाया, तो जब भी हम लोग को डर शुरू हो गया, ओ ये कोरोना है, ये आ रहा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे से कर्फ्यू शुरू हो गया, लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में जो नंजनगुड़ के कोरोना के बारे में मालूम हुआ, तो हाँ जब हम लोग को कोरोना का सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन, और उसी समय हम लोग पूरे मिलके बात किया उनका, लास्ट उससे पहले हम लोग एक दिन पहले हम लोग बात किया था कोरोना के बारे में, जैसे 21 को कर्फ्यू हुआ था, 20 को हमारा एक ग्रुप मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में हम बात किए थे अच्छा उसके लिए क्या करना, कैसे करना, करके हम लोग को क्या काम करना करके, तो अच्छा ये एकदम बंद हो गया। आज तक हम लोग और फिर नहीं मिले, और एक मीटिंग नहीं हुआ, 3-4 महीने हो गया हमारे, उससे अभी तक कोई हमारा ये मोबिलाइजेशन या एक साथ बैठ के बात करना नहीं हुआ। तो आपको कब पता चला कि कोरोना जो है वो काफी भयानक होने वाला है? जो लॉकडाउन के समय में ही पता चला, अच्छा जब लॉकडाउन हुआ उसी समय पता चला। और बहुत सारे जो लोग इटली या जो न्यूज देखते थे हम लोग उस समय, इटली, USA, चाइना में जो लोग मर रहे थे, ज्यादा लोग मर मर के ऐसे हो रहे थे, तो उस समय बहुत सारे डाउट था। और एक डर, और एक डर भी था, कोरोना और HIV दोनों एक साथ है, जो दोनों को एक साथ मिला के बनाया है वायरस को, उस वायरस को छोड़ा जा रहा है, तो जब और भी बहुत सारा डर हुआ। और उस समय तो हम लोग के दिमाग में बहुत डिस्क्रिमिनेशन था, बहुत अच्छा अलग अलग उसके बारे में डर, और सोचिए अलग थी उसके बारे में। क्या आपको लॉकडाउन के समय में आपको जरा भी सेक्स वर्कर का काम करने के मौका भी नहीं मिला? ये मौका तो मिलता था, क्लाइंट कुछ आप पड़ोस के या से पहचान के ये क्लाइंट बुला रहे थे, हाँ लेकिन हम नहीं जा पाए, क्योंकि एक तो जगह नहीं था, दूसरा पता है पुलिस वाले इतना डंडे मार रहे थे, कहीं घर बाहर निकल के नहीं जा सकते थे। अच्छा हमारे यहाँ तो बहुत ये लॉकडाउन ही कर दिया था, सील डाउन कर दिया था पूरा, अरे तो हम लोग को घर से बाहर कहीं भी हम फिर भी नहीं सकते थे।
सिर्फ दुकान के समय में जाना, दुकान का खरीद के लाना है, अगर थोड़ा भी देर से मारे तो हम लोग को लाठी का मार पड़ता था। तो ये डर था बहुत उस समय, पुलिस के मार से बड़ा क्या था, तो वो तो याद भी नहीं आएगा। आपने बताया कि मैसूर में आप लोगों का एक यूनियन है, हमारा संगठन है। इस संगठन में हम सब एक साथ मेंबरशिप किए हैं और एक साथ रहते हैं, कहीं भी कोई भी हमारी समस्या है तो हम एक साथ आवाज उठाते हैं, एक साथ भरोसे को लड़ते हैं और उसको समस्या का परिहार भी ढूंढते हैं। COVID-19 के लिए इस समस्या ने क्या समुदाय दिया कि किस तरह से आपको रहना है? के लिए तो समुदाय के लिए लोग कुछ नहीं दे पाए, क्योंकि उनका भी जीवन बहुत ही नर्क हो गया था, जो वो भी घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो कुछ लोगों से हमने संस्था से जाके कुछ लोगों से बात किया, कुछ डोनर से बात किया, उनके जरिए उन लोगों को कुछ फूड दिलवाया। और उसके साथ साथ हमने जो भी पॉजिटिव दिल्ली ARV जरूरी होता है वो ARV का दवाई घर घर जाके हमने पहुंचाया। अच्छा। और दूसरा जो है उनके लिए कैल्शियम और कुछ साइड इफेक्ट के लिए जो मेडिसिन होता है, जैसे कि फीवर के लिए पैरासिटामॉल, CPM, रायटन, परालगन, ऐसे मेडिसिन को हमने कोई फंडर को पकड़ के उसके पास दिलवाया, ले लिया और सभी कम्युनिटी को थोड़ा थोड़ा बांटा, ताकि उनको तो ये कोई भी समस्या हो तो उसको थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सके। तो ये मेडिसिन हमने, मेडिसिन और फूड का हमने जो भी बंदोबस्त करवाया। और कुछ लोग खाना नहीं थे तो बाहर से सपड़े हुए थे, उन लोग को खाना पहुंचाया और उन लोग को पानी से पानी खाना, और उनको ज्यादातर उनको हम काउंसलिंग के जरिए उनकी आत्मा या आत्मविश्वास बढ़ते रहे, क्योंकि उनका आत्मविश्वास पूरा सो गया था। तो उसमें वो बहुत डरे हुए थे, बहके हुए थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, मतलब वो बहुत लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए थे। तो उन लोग को समझा के काउंसलिंग करके उन लोग को क्या ये है उस समय क्या नीड है उसको जाके कोशिश करते थे, जो हमारे में कितना बन पाता होता उनका नीड फिल कर रहे थे। तो ये हमने संस्था की ओर से किया। कम्युनिटी के लोग कुछ कर नहीं पाए क्योंकि वो बाहर ही नहीं निकल पाते थे, तो वो क्या आके हमारे साथ कर सके। तो जो हम लोग वहाँ पे काम कर रहे थे 8-10 लोग, जो वो लोग वॉलेंटरी हम लोग जाके बाहर कुछ सरकारी पुलिस स्टेशन में परमिशन लिया, कुछ पास बना लिया, फिर हम लोग जाके उस पास के जरिए घर घर जाके मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करना, और उनको कोई समस्या है तो डॉक्टर हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर से बात करके उनको मेडिसिन, घर में हमारा जो अभी डॉक्टर था फोन पे ही हम लोग उनको बात करके मेडिसिन वो व्हाट्सएप में भेजता था, तो उस मेडिसिन को हम मेडिकल में लेके देते थे, तो क्योंकि वो हमारे पास अवेलेबल था, तो उसमें हमारे ज्यादा कम्युनिटी के लोग को दिक्कतें नहीं आई। कोविड की वजह से आपकी जिंदगी में कब से परिवर्तन शुरू हो गया था? फरवरी 21 के बाद, 22 का जो मोदी का जो भाषण था, वो भाषण दिया जब मोदी ने, वो भाषण ही हमारा नरक, जैसे कि एटलीस्ट हमारी नरक जिंदगी शुरू हो गई। तो जो उस रात सभी जाके खरीदारी, लोग पैसा दे देंगे, पूरा राशन ला रहे थे, हम लोग सोच रहे थे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे ही सचमुच में ऐसे ही होगा या नहीं। फिर धीरे धीरे से 01, 02 लॉकडाउन, 03 लॉकडाउन करके आया। तो जब भी हमारे में बहुत सारे यहाँ तक मुसलमान है, हम लोग को इस बार नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद भी नहीं जाने हुआ, या तो रोजा रखने हुआ, या तो ईद मनाने हुआ। तो ये सब हमारे लिए बहुत ही खराब दिन, मतलब खराब दिन बोलते हैं हम लोग, ब्लैक डे हमारे लिए पूरे ये 3 महीने लॉकडाउन के ब्लैक डे थे। बहुत सारे लोग भी मर रहे थे, तो सब सोच सोच के हमारे लिए बहुत सारा ये ही खराब निकले। आपको कम्युनिटी के अलावा एनजीओ या फिर गवर्नमेंट से और कोई भी सहायता मिली? नहीं, जरा भी नहीं मिला हम लोग को। कोई यूनिट वालों ने सिर्फ कुछ सोप देके हुए भेजे हैं, हाइजीन साफ सुथरे रहने के, हाथ साफ करने के लिए कुछ डेटॉल सोप
वो 5,100 रुपये भेजा है, हाँ उसके अलावा कोई 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 भी जो गवर्नमेंट की ओर से हम लोग को आज तक नहीं पूछा कि आप कैसे हैं, आप जिंदा हैं या मरे हैं, या आप खाए या नहीं, कोई नहीं पूछा या पूछना भी नहीं चाह रहा है। तो ऐसे ही वो सोचते हम लोग बोझ है धरती का, हम लोग खत्म हो जाए ये सोचा होगा, तो इसीलिए छोड़ दिया हमारे हाल में। अभी भी नहीं बोल रहे हो आप पहले इंसान हो जो 4 महीनों में हमसे बैठ के तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हें कैसे है, दिन में क्या हो रहा है पूछ रहे हो। आप भी पहले इंसान हो जो हम लोग को एटलीस्ट पूछ रहे ताकि इसको बाहर ला सके। तो ये बात आप अकेले हो हमें पूछ रहे, दूसरे हम लोग को कोई पूछने वाला भी नहीं था या कोई हम लोग को बताने वाला भी नहीं था। इसी जगह आपको ये सेवाएं है ये ले लो। इस बात को अंदर लेना काफ़ी मुश्किल है, मतलब ये सुनना इतना आसान नहीं है कि पिछले 4 महीनों में अगर आपको कोई हाल नहीं पूछ रहा है वो उनके फैमिली ही हमारे साथ नहीं था, तो समाज और सरकार कहाँ से आएगा? आप थोड़ा सोचो, देखो इंसान जब कुछ भी चाहता है एक तो अपना अपने लिए डेली रूटीन में जो चाहिए, एक तो खाना रहना अच्छा सुकून में चाहता है, तो ये 3 भी छीन लिए थे। और दूसरा जो है केयर करने वाले अपने खुद के लोग ही हमसे दूर है। ये मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे बहुत सारे समुदाय के लोग हैं उनकी बात करो। हमारे समुदाय में कुछ लोग ऐसे भी हैं, ताकि अक्रम ने ऐसा बोला खराब हो सकता है, कुछ के कुछ लोगों की फैमिली अच्छी है वो स्वीकार की है, कुछ लोग जो भी उसमें 80% जो फैमिली के घरों घरों में कोई स्वीकृति नहीं मिलती है, क्योंकि जब पता चल जाता है तो हम लोग को घर से बाहर निकाला जाता है, फिर वापस घर में लेना तो दूर की बात सोच भी नहीं सकते, तो ऐसा होता है। तो उसमें मैं बोल रहा हूँ, तो ये तो फिर समाज कहाँ से स्वीकार करेगा या तो ये क्या करेंगे। और उस समय जब हम लोग को कोई किट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बात करते थे तो उसे तुमको क्या काम है, तुम लोग जो पैसे जो लूटे हैं लोगों से कमाए हैं हराम का पैसा, बहुत सारा पैसा है आपके पास, ऐसा बोलते थे। तो हम लोग कमाए हराम का पैसा, वो कमाए अच्छा पैसा, इसे कैसा पैसे में कैसा अंतर है। तो हमारे में यह सवाल गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम लोग कुछ गुस्सा नहीं कर पाते थे। क्या अभी आपने काम शुरू कर दिया है आपका वापस? नहीं अभी भी नहीं, अगस्त तक हमने अभी काम नहीं किया है। अगस्त तक भी हम लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन क्लोज किया है। अच्छा। अगस्त के बाद हम उसको सैनिटाइज करके अगर कुछ रिलीफ मिलेगा तो शुरू करेंगे, क्योंकि अभी भी डर है, क्योंकि हमारे कम्युनिटी के लोग जब ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाएगा तभी आके जुड़ने लगेंगे, तो कहीं दिक्कत ना हो इसीलिए हमने अभी भी उसको बंद किया है। अभी सिर्फ हम लोग फोनों में कांटेक्ट करते हैं, होम विजिट में कांटेक्ट करते हैं, जैसे कि फोन में उनको काउंसलिंग करना, अगर कुछ बात है तो उनको तक पहुंच के उनको जो चीज चाहिए दिलाना, और डॉक्टर को फोन में अवेलेबल है 24 आवर्स, डॉक्टर दो डॉक्टर अवेलेबल है, जो भी कोई दिक्कत है तो उनको फोन में ही कॉन्टेक्ट करके ट्रीटमेंट लेते हैं। अच्छा। सिर्फ डायग्नोस बोल के लेना पड़ता है, दिखा के नहीं लेना पड़ता है। कभी कभी हम लोग यही फाइट हम फाइट कर रहे थे, डॉक्टर हमको छूता नहीं देखता नहीं, ऐसा डॉक्टर हमको नहीं चाहिए बोलते थे, लेकिन आज हम लोग बोल के दवाई लेने का ही डॉक्टर ले गए, क्योंकि कोविड ने हम लोग को ऐसा यहाँ पे मजबूर कर दिया ये करने में। कोविड ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी मजबूर कर नरक बना दिया, पता नहीं ये कोरोना कोरोना सोचते हैं ताज, लेकिन ये ताज नहीं है, ये कीकर का कांटा है, जो कांटा चुभता है ना अंदर जहर फैल जाता है, कीकर के कांटे से भी खतरनाक चीज है ये। ऐसे हो गया हर एक, हम लोग अपने लाइफ के बारे में बोल रहे हैं, हर एक की लाइफ में हर एक गरीब बूढ़े बुजुर्ग ना अमीर सबकी जिंदगी में भी ये बहुत खराब है, लेकिन हमारे लिए तो अलग तरीके का है, क्योंकि हमारे लिए हमारा लाइफ स्टाइल हमारा ये सब बंद हो गया, मेरी खुशियां छीन ली। कोविड के पहले आपको मेडिकल हेल्प जो सहायता चाहिए रहती थी, क्या आपको वो आसानी से मिल पाती थी कि आपको उसमें भी कोई दिक्कत आती थी? कहाँ पे? हॉस्पिटलों में।
नहीं, हॉस्पिटल में तो हम लोग को एंट्री भी था ना, सिर्फ एक ही ईआरटी सेंटर एक ही था, वो भी क्या था, हम लोग को मुंह ढक के, हाथ ढक के, पैर ढक के जाना है और हम लोग को सिर्फ नंबर बोल के दवाई खरीद ले लेना है, अच्छा लेके वापस आ जाना है। सिर्फ 2 से 3 मिनट ही हम लोग को वहाँ पे रहने का मौका मिलता था, उसके अलावा हम लोग को वहाँ पे नहीं जाने का, क्योंकि कोई ओपीडी सेंटर नहीं था, कोई कंसल्टेशन डॉक्टर नहीं था, या कोई एडमिशन नहीं था, और कोई भी जाता तो नहीं, नहीं मतलब 8 ही गेट बंद कर दिया था। ये कोविड के पहले था कि कोविड के दौरान? पहले 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 नहीं पाया, कोविड में, कोविड से पहले सभी सर्विस था, कोविड से पहले हर एक चीज था, ओपीडी का हर एक रेफरल सिस्टम के लिए था, हॉस्पिटलों में हर एक चीज के लिए दे गया था, क्योंकि हमने धीरे धीरे से वो एक जगह बनाई थी जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन से हम जो भी जाते हैं हम लोग को पहले ही सर्विस मिलता था। अपने पिछले 3-4 महीने में इसके अलावा और कोई दिक्कतें झेली जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? सर मैं क्या बताऊँ आपको, एक दो है तो बहुत सारी दिक्कतें, जैसे कि कुछ सेक्स वर्कर्स जो है अपने गांव से दूर है, जैसे कि अलग अलग दूर से भी आके यहाँ पे बसे हैं, जैसे कि उनके बच्चों को वहाँ पे छोड़ के आया है, तो उनको देखने या उनके पास जाने के लिए उनको नहीं हो रहा है, मतलब कुछ लोग आगरा से या कहीं केरल से इधर से बच्चे आके इधर ही बस गए, मैसूर में रह गए, तो उनको वापस जाके उनके फैमिली या बच्चों को मिलने के लिए नहीं हो रहा है, तो वो भी बहुत बड़ी दिक्कत है, और लोग रोते हैं रोते हैं, इतना रोते हैं कैसा है हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब उन तक जाके सिर्फ उनको देख सके ऐसा भी नहीं हो पा रहा है, तो वो बहुत सारी वो भी एक दिक्कत है। और दूसरी दिक्कत है ज्यादातर के अभी उनके पास किसी के पास भी घर मकान नहीं है, जो मकान के लिए किया गया डिपॉजिट भरा था इन 3 महीनों में उनका डिपॉजिट का पैसे था ज्यादा मकान मालिक का किराया हो गया, तो अच्छा बहुत सारे मकान मालिक ने उन लोग को घर खाली करने के लिए बोल रहे हैं और या तो किराया देने के लिए बोल रहे हैं, अभी किराए के लिए भी कोई पैसा, अब कोई भी खरसदार कोई खरस देने के लिए तैयार नहीं है, तो मकान खरस लेके मकान मालिक को कहाँ से देंगे, तो इसीलिए वो घर कुछ लोग घर खाली करके कहीं किसी दोस्त के यहाँ रह रहे हैं, कुछ लोग अपना घर का सामान बेच के कहीं यहाँ पे वहाँ पे बैठ के टाइम गुजार रहे हैं, कुछ लोग अच्छा रस्ते पे आ गए हैं, ये दिक्कतें हैं, क्योंकि बहुत सारे मकान मालिक ने पुलिस का हर एक ऑर्डर तो था लेकिन फिर भी कोई ने नहीं छोड़ा, और जो सूद के लिए हम लोग खर्च लिए थे इंटरेस्ट पे, वो इंटरेस्ट वालों ने डबल डबल इंटरेस्ट डाल दिया, और अभी इतना छाती पे बैठा है, अभी आप पैसा दोगे या नहीं करके घर के पास झगड़ा करेंगे, तो ये डर के मारे भी बहुत सारी समस्या होगी, डर पैदा हो गया वो कब आएगा, कब खर्च आ रहेगा, कब झगड़ा करेगा, कब आजू बाजू हमारी इज्जत चले जाएगी, क्योंकि वो झगड़ा करते समय जान बुझ के बताएगा हमारा स्टेटस, तुम कौन सा अच्छा हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तो जब हम वो भी आप पड़ोसों को भी और पता चल जाएगा, तो जब और भी हमारे वहां तो वहां से भी हम लोग को घर खाली कराया जाएगा, वो भी डर है। आपकी जो पिछले 3-4 महीने आमदनी कम या फिर बंद ही हो गई, आपने इस सच्चाई के साथ कैसे समझौता किया? समझौता तो करना पड़ा, कोई चारा नहीं था ना, कोई चारा नहीं था, इसीलिए समझौता करना पड़ा, आमदनी को तो छोड़ो, डेली रूटीन हमारा कोई भी ये नहीं था, तो उसके लिए जैसा था वैसे ही गुजारे। क्या ऐसा आपके साथ जैसा कोविड के साथ जो हाल हुआ है, इससे पहले कभी भी आपको इस तरह का? नहीं, लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ था, शायद हमारे बचपन में जो हिंदू मुस्लिम का जो गलाटा हुआ था, मतलब लड़ाई हुई थी उस समय कुछ दिन कर्फ्यू की वजह से ये हालत थी बचपन में, आज जो हमारे सुनाते 86 में, जब हम लोग को कुछ कुछ दिन के लिए, लेकिन इतना लॉन्ग और इतना बड़ा नहीं था उस समय, एटलीस्ट कर्फ्यू था ऐसा बंद नहीं था, लेकिन ये समय जो था ना बहुत ही अलग था, जिंदगी में याद रखने का, हमारे बच्चे बच्चे और जो भी लोग हैं वो याद रखने वाले हैं इसको, ये कोविड को। जब मैसूर में फ्लू चलता है ना, उस टाइम आप क्या करते हैं? आपका काम उस टाइम के लिए बंद हो जाता है कि आप कोई अलग तरीके सावधानी नहीं, बरतते हैं? अलग तरीके से
अपना प्रिकॉशन लेके उसके लिए अलग तरीके से काम करते हैं, जैसे कि पिछले H1N1 और जो बर्ड फ्लू आया हुआ उसके बारे में ये करना था मलेरिया, उसको हम क्या करते थे, अभी जो काम कर रहे हैं उसको अलग तरीके से करते हैं, जैसे कि ज्यादा इम्यूनिटी में या ज्यादा पास जाके नहीं दूर से, जैसे कि उनको जो सलाह चाहिए उसके लिए कुछ पेपर प्रिपेयर करते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन डालते हैं, उन तक पहुंचाते हैं ताकि उनको वहां पे, जैसे कि H1N1 हम लोग उनको भर्ती कराते हैं लेकिन हम लोग खुद नहीं जाते, एम्बुलेंस को भेज के उनको वहां पे करके हर उनका जानकारी लेते हैं, उनको भी कैसा है, उनको क्या ट्रीटमेंट चल रहा है और उनको क्या मेडिसिन चाहिए, ये जानकारी लेते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग इसको लेके अलग अलग काम करते हैं, लेकिन कोविड में भी हमने ऐसे ही किया, अपना प्रिकॉशन लिया और ज्यादातर लोग हम लोग ये नहीं किया, मतलब ज्यादा ग्रुप नहीं किया या ज्यादा करीब कि किसके घर में रहना वो नहीं किया। अभी तक 4 महीने में हम लोग एक दूसरे के घर जाके टाइम स्पेंड किए, बस ऐसे हाय हेलो फोन में बात कर दिए, अगर मेडिसिन लेके जाते उस समय भी हम लोग मेडिसिन लेके जाते दूर से खोल के उसके हाथ में देते थे, चेक करते थे, मेडिसिन चेक कर लो फिर हम वापस आ जाते थे, और उस समय भी हम लोग हाथ को ग्लव्स मास्क ग्लास और फुल टी शर्ट ऐसा सर पे टोपी ऐसा सब बांध के जाते, कपड़ा बांध के सर पे ऐसा जाते थे। H1N1 का जो समय चल रहा था 2009 में चल रहा था, वो कोरोना के मामले में काफी बेहतर था, आप वो बोलेंगे? बहुत बेहतर था, उसके लिए थोड़ा बहुत ये अलग, मतलब उतना ज्यादा मैं नहीं फैला, लेकिन सुना था जो अफ्रीका में क्या प्रॉब्लम हुआ, लेकिन फिर भी उतना डर नहीं था कोरोना का, उतना डर नहीं था कोरोना जो छूने से लोहे पे चलने से या कोई भी कहीं चीज भी छीने से, लेकिन H1N1 जो मतलब वो सामने छीनने से या आने से वो होता था, तो उतना खास नहीं डर था उसमें, डर तो था उतना डर नहीं था जो कोरोना, उतना डर उस समय नहीं था। अच्छा। बस एक बीमारी है करके सोचा था, लेकिन ये जो बीमारी नहीं है छूतछात की से भी ज्यादा है। आपको क्या लगता है कोरोना के जाने के बाद आपके काम पे क्या बर्ताव आएगा? पता नहीं काम होगा भी या नहीं, या पहले जैसा होगा भी नहीं मालूम नहीं, और दूसरा जो है लोगों को कोरोना की वजह से जो उनका जो मन में अभी तक हम लोग अवेयरनेस लाए थे वो अवेयरनेस है भी या नहीं ये भी नहीं मालूम, और कम्युनिटी के लोग फिर से हम लोग को स्वीकार करेंगे भी या नहीं करेंगे ये सब सवाल है, क्योंकि सभी लोगों में आलसी आ गया, मतलब पूरा केयर ये हो गया, अभी क्या है जो होगा सो होगा जाए देखा जाएगा, अभी कुछ नहीं ऐसा हो गया, और अभी पैसा हर लोग को पैसा कमाना है या कुछ करना है ये सोच हो गई है, तो उसमें जो हमारा काम है ठीक से चलेगा ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि आगे जाके हम लोग करने आएंगे उन तक पहुंचना उनको पूरे लोगों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होगा। आप सेक्स वर्कर का काम और कितने टाइम करना चाहेंगे एंड उसके बाद? जब तक चलेगा चलाएंगे सर, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास अभी कोई आते नहीं, ना तो काम है ना तो दूसरा रिसोर्स है, ये है हमारे पास कुछ भी हम आप छोड़े तो अभी दूसरा हमारे पास रास्ता ही नहीं है। अच्छा, मतलब कुछ काम में ये नहीं है तो दूसरा हम लोग को मतलब कोई व्यापार नहीं आता या कोई कोई पैसा नहीं है जाके बिजनेस करने के लिए या कोई चीजें, मतलब कुछ भी ये नहीं है, कैसे बताएं आपको। आपने आपके काम के दौरान आप एज अ सेक्स वर्कर आपने क्या इम्पोर्टेंट चीजें जिंदगी में सीखी है? सेक्स वर्कर का काम करते वक्त आपने जिंदगी में ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट चीजें सीखी है? एक तो बहुत बड़ी आपने सवाल, आपका सवाल जो है मेरे लिए बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि मैंने ज्यादातर इम्पोर्टेंट क्या दूसरों को दुख देना या दूसरों को तकलीफ देना ये मैंने किया, जो भी लोग आते थे उनको खुश करके भेजता था, और दूसरा जो है मैं कभी भी ये सोचता था कि मेरे से किसी को इन्फेक्शन ना हो,
मेरे से कोई तकलीफ ना हो, मेरे से कोई उनको छुट्टी बराबर भी तकलीफ ना हो, यह मैंने इम्पोर्टेंस दिया। और दूसरों का, जैसे कि कुछ लोग इसमें ईमानदारी नहीं होती है, छीन लेते हैं। कभी भी मैंने ईमानदारी से ही किया, कभी किसी के साथ मतलब उनका पैसा चुरा लेना, छीन लेना या कुछ करना, ऐसे भी हमने नहीं किया सर। ये इम्पोर्टेंट है, मैंने दिया। और उसके साथ साथ मैंने अपना स्वास्थ्य को इम्पोर्टेंस दिया, ताकि जब तक मैं अच्छा रहूंगा, जैसे मैं अपना लाइफ में और अपना हेल्थ को अच्छा रखूंगा, जी पाऊंगा, तो इसके लिए मैंने अपना इम्पोर्टेंट हेल्थ को दिया। जैसे आपने बताया कि इस बार आपको गवर्नमेंट से इतना कुछ हेल्प नहीं मिला, वो किट के अलावा आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिला, क्या गवर्नमेंट को क्या क्या चीज़ें अलग तरीके से करनी चाहिए थी, किस तरह से करनी चाहिए थी कि आप लोगों की हालत इतनी ख़राब ना हो? अगर ऐसा हो रहा है तो मालूम हुआ ना, तो वो लॉकडाउन करने से पहले कुछ कुछ स्कीम जारी करना था, ताकि मतलब हम लोग अकेले नहीं है, मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे कम्युनिटी की, उसके साथ साथ बहुत सारे गरीब है, दलित है, और कुछ लोग भिखारी है, सभी लोग हैं इसमें। तो कुछ ना कुछ तो उनके लिए, मतलब जैसे कि हम लोग का राशन के लिए कुछ सब्सिडी, मतलब कहीं जगह ऐसा हम लोग को मिले, या हमारे लिए कुछ। अभी वो कितने करोड़ रुपए का ये जारी किया है, वहां पे हमारे लिए क्या है, 1 रुपए का भी हमारे लिए फायदा नहीं है। तो ऐसा करने से पहले ये लोग कुछ ना कुछ हमारे बारे में सोचते हैं या कुछ करते हैं। अभी बोलते हैं राशन दे रहे हैं डिब्बों में, सोसाइटी में हर एक को 10 किलो चावल। चावल ला के क्या करना है, घोट के कभी जाना है, और वो चावल भी क्या पका के खा सकते हैं, इतने गंदे चावल रहते हैं सोसाइटी के, क्या कर सकते हैं। बस उसके अलावा मैं बता रहा हूँ, सरकार को कुछ ऐसा एक्शन सोचना था, ताकि सभी को भी, सभी भी जी सके, सभी भी कुछ कर सके। या कुछ लोग माइग्रेंट है, वो वापस माइग्रेंट अपने अपने घर पर पहुंच जाए, वो करके ही करना था, तो बहुत अच्छा था। कुछ भी उन्होंने, सरकार ने कुछ भी सोचा नहीं, बस इतना लॉकडाउन ही एक उसका ये है, दवा है बोल के सोच के उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। तो ठीक नहीं, पहले थोड़ा बहुत सबके लिए सोचना था, या किसी से राय लेना था। सिर्फ अकेले नहीं है, जो हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे बैठे जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी है, उनके बारे में भी थोड़ा सोचना था, लेकिन अभी भी नहीं सोचा उन्होंने। जब भी नहीं सोचा तो अभी भी नहीं सोचा, होने के बाद भी हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। जी अकरम जी, मेरे पास आपके लिए इतने ही सवाल थे, आप कुछ और कहना चाहेंगे? सर अभी तो ये थोड़ा ये है, अगर फिर से कभी आप बात करेंगे फ्री में, तो मैं आपको जरूर, मेरा नंबर ले लीजिए, आपको ये करते समय, लिखते समय, अगर कुछ सवाल है कुछ भी है, तो आप मुझको ये कीजिए, बीच में कॉल कीजिए, ठीक है, मैं आपसे फ्री में और भी बात करूंगा। अभी मेरा माइंड थोड़ा चेंज हो गया था, ठीक इसलिए है, ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। ठीक है, फिर कभी मैं आपसे बात करूंगा, तो बहुत सारा हम बात करेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ओके, आपने मुझसे बात की, आपने इतना समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। आखिर आप तो हमारे पास, हमारे मन में जो है उसको तो निकाला। असली शाम तक हम किसी के साथ शेयर नहीं किया था, आपने तो हमसे पूछा और सुना। थैंक यू आपका जी। ओके यार, वेलकम सर, धन्यवाद। ओके, चलिए सर, बाय।